वेलकम टू वफ़ी होम केयर। मेरा नाम मुनीब मलिक है, मैं आपका होस्ट। आज हम मौजूद हैं गार्डन एक्सपर्ट्स में और हम प्लांट्स को देख रहे हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो फॉरएवर प्लांट्स हैं, जिनके बारे में आपको बताएंगे, उसमें फ्लावर्स भी हैं। आज जिस फ्लावर के बारे में आपको बता रहे हैं, उसका नाम है एम्पेशन। ये साल के 12 महीने में रहता है, सिर्फ जून और जुलाई के महीने में इसके ऊपर फूल नहीं होते हैं, बाकी सारा साल इसके ऊपर फूल रहते हैं। इस पौधे को नवंबर के महीने में इसकी कलम लगाई जाती है, उसके बाद 4 महीने तक इसकी रोज़ाना देखभाल करनी होती है, जिसके बाद इसके ऊपर फूल लगना शुरू होते हैं। इसकी देखभाल इस तरह से की जाती है कि शाम के वक्त इसको पानी दिया जाता है, वो भी मिट्टी खुश्क होने पर। उसके बाद इसको डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं दी जाती है, इसको किसी शेडो के नीचे जो रोशनी उसकी पड़ती रहे, लेकिन डायरेक्ट शुआएं सूरज की इसके ऊपर ना पड़ें, वरना ये पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि एक सेंसिटिव पौधा है और इसको पानी कम से कम लगाना है। ये पौधा ज़्यादातर साउथ अफ्रीका और कीनिया में पाया जाता है। जिस पौधे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है यूनानी मस, उसका नाम है वेरीगेटर, उसको कहा जाता है। वो इस वजह से क्योंकि उसके दो शेड्स हैं। इस पौधे की जो कलम लगाई जाती है वो फरवरी और अगस्त के महीने में लगाई जाती है। इसको कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं इसको ग्रो करने में। उसके अलावा अगर आपने इसको किसी खुली जगह पे लगाया हुआ है तो आप इसको अपनी किसी भी तरह की आप शेप दे सकते हैं, ये बहुत फैल जाता है बड़ा होकर, आप इसको अपनी मर्ज़ी से शेप भी दे सकते हैं। अगर ये गमले के अंदर लगा हुआ है तो बारिशों के पानी से इसको बचाना है। अगर पानी जमा हो गया गमले के अंदर तो इसको आप गमले से पानी को निकाल सकते हैं। अगर ज़मीन में लगा है, खुली जगह पर लगा है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये यूनानी मस एशिया के तकरीबन सभी मुल्कों में पाया जाता है। आपको लगता है कि आपके पास फूलों की पौधों की नई इकसाम है तो आप हमें ज़रूर इनबॉक्स कीजिए, हम आपके गार्डन का विज़िट करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे, और हम साथ ही साथ लोगों को इनक्रेज भी करेंगे इस गार्डनिंग की तरफ, प्लांटिंग की तरफ, कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगाएं, पौधे लगाएं, ये क्योंकि एक हेल्दी एक्टिविटी है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।